पाठक फाउंडर स्टॉकी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस आप अगर पहली बार जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी को फॉलो एंड ज्वाइन जरूर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में चार्ट्स और कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट आप उठा करके फायदा ले सकते हैं। ओके, तो ये इस पे आप ट्रेड तभी करिएगा जब आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए, सिर्फ इसके बेस पे ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि ये मैं नॉलेज के लिए भेजता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से मार्केट में स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए और किस तरीके से आप उसमें ट्रेड करने चाहिए। तो बेशक आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन नॉलेज को भी बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और देन उसके बाद अपना विवेक इस्तेमाल करके फिर आप ट्रेड करिए। और टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, और आपका अगर कोई क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो प्री मार्केट का है, हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। और उसकी प्लानिंग करने के लिए आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि मैं हमेशा डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को देख करके चलता हूं, ताकि हमें एक व्यू पता रहता है, फिर इंट्राडे में प्राइस एक्शन जो भी बनता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ओके, बट उस पर चलने से पहले कि कल हमें क्या करना है, उस पर चलने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए प्लानिंग क्या करी थी। ओके, तो निफ्टी में हमारी आज के लिए प्लानिंग थी इसके नीचे सेलिंग, मैंने आपको बोला था 18,100। ओके, के नीचे आपको सेल करना है। आपको बहुत अच्छा मोमेंट नहीं मिला क्योंकि हल्का सा गैप अप उठा करके नीचे लेके आए, तो ये साइडवेज था। ओवरऑल जो आज का दिन था एक्चुअली में बोरिंग डे था, बट फिलहाल आपने अगर यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, बट उतना खास नहीं। मैं इस प्रॉफिट से खुश नहीं हूँ क्योंकि इतना प्रॉफिट तो फिर नॉर्मल बात होती है। आपने 45 पॉइंट्स का, तो आप अगर नॉर्मल ट्रेड लिए होंगे तो आपका ये स्टॉप लॉस रहा होगा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 45 का मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी सक्सेसफुल नहीं है, बट अगर आप स्कैल्पर हो तो ये आपके लिए बहुत है। बट इसमें पॉइंट क्या है ना कि प्रीमियम्स उतने ज्यादा बढ़े नहीं, अगर आप पुट लेते हो तो बढ़ते नहीं, कॉल वाले घटते नहीं। रीजन क्या है, रीजन है कल जो आरबीआई की हमारी एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है उसके लिए मार्केट जो है थोड़ा सा इवेंट को लेकर के यहाँ पे मतलब स्ट्रेस में था ना, प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे ना घट रहे थे, तो आपको उतना अच्छा मोमेंट मिला नहीं होगा। हाँ, फ्यूचर में आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको टिक बाय टिक पॉइंट मिला होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 40 to 45 आपने कैप्चर किए होंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं गांव में हूं तो गांव में यहां पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, लो मीन्स की सर्दियां आ गई हैं, तो थोड़ी सी मौसम बदला है मेरा। मैं सूरत में था, सूरत से भी गांव में हूं, तो मौसम बदलने की वजह से यहां पे जो है कि दिक्कत आ रही है। सो अब यहां पे देखिए हमारा पॉइंट क्या था कि भाई अगर ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पैनिक क्रिएट हो जाएगा बायर्स को लेकर के, और सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आया। बट चूंकि इवेंट है, अगर यही इवेंट ना होता तो आपको निफ्टी यहाँ पे मिलती, समझ रहे हैं, इवेंट है कल, दैट्स वाई यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं मिली। ओवरऑल साइडवेज है, मतलब आपका प्रीमियम डीके भी नहीं होगा, बट आपने फ्यूचर में ट्रेड किया होगा तो टिक बाय टिक आपको मूवमेंट मिली होगी। बैंक निफ्टी हमारा प्लान क्या था, बैंक निफ्टी हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा प्लानिंग था यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग का, तो इसके नीचे जा करके बहुत नीचे नहीं गया आपको पता है। ओके, बट दूसरा पॉइंट था कि यहाँ पे आने पे एक बार रिवर्सल का साइन देकर के बाई करेंगे, तो आपने अगर ये वाली कैप्चर करी होगी स्काल्पिंग तो आपको बेनिफिट मिला होगा, बट मेरे हिसाब से इसको मैं सेटिस्फाइड नहीं होता भाई, क्या मोमेंट इसमें 20-50 पॉइंट से काई मिलेगा। ओके, आप अगर स्काल्पर हो तो आपको फायदा है, बट मैं इसको सही नहीं मानता। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हमें ट्रेड नहीं मिला। दूसरा था लालपत लैब का, हमारा ट्रेड था लालपत लैब का, मैंने कैश में बाइंग दी थी, बाइंग दी थी मैंने इसके ऊपर बाइंग का, तो यहाँ पे आपका पहले एंट्री मिला और वो थोड़ा सा आपका एसएल हिट कर गया, बट उसके बाद अगेन आपको एंट्री मिली तो उसने आपको स्टॉप लॉस को रिकवर कर दिया, बट थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हुआ होगा, बट मेरे हिसाब से टारगेट नहीं आया। और अगला था टोरेंट फार्मा का, तो टोरेंट फार्मा में जो है कि आपका एंट्री नहीं मिली, टोरेंट फार्मा में एंट्री नहीं मिली। रीजन क्या था कि इसके ऊपर बाइंग था और इसके नीचे सेलिंग था, तो दोनों में से कोई भी नहीं हो, वहीं पर घूमता रह गया, तो ये आपका एक ट्रेड सही नहीं गया चूंकि एंट्री नहीं मिली, दैट्स वाई। तो आज पूरा बोरिंग डे ही था मार्केट, मतलब कुछ खास था नहीं। अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, और कल को समझने के लिए हम देखते हैं कि अभी आज हुआ क्या। देखिए डेटा सेट जो है थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं। अच्छा, नेगेटिव क्यों है, मैंने आपको बताया कि जो FIIs हैं इन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजिशन बढ़ाई है। आप अगर ऐसे कंडीशन में ऑप्शन को देखोगे तो आपको हमेशा OI बढ़ते हुए देखेंगे। अब एक्चुअली में OI बढ़ रहे हैं बट वहाँ पे बायर्स भी होते हैं, तो आपका जो व्यू होता है ना कि सेलर होता है सेलर होता है, वो आपका पूरा उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मार्केट में यही सब पढ़ाते हैं मुझे पता है, बट
हमेशा हमें थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए कहाँ पे किस तरीके से देखना है। और ये सब मैं अपनी जो ये सब ट्रिक है मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। बट आगे बढ़ते हैं कि अब हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। तो देखिए मार्केट में थोड़ा सा जो डेटा है वो नेगेटिव हो चुका है, तो अब मैं अपने फॉर्मेट में चलता हूँ ताकि हम इजिली एकदम फ्लो वाइज समझ सके। हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैंने आपको ये भी बताया था कॉल का वाई आपको देखना है। कॉल का वाई देखिए बढ़ रहा है, तो कॉल का वाई आपका बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे जो हमें लेटेस्ट में कल सपोर्ट है था 18,100 हमारा सपोर्ट था, हमारा कल का सपोर्ट था और अभी आज के लिए वो क्या बन मतलब बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी 18,100 हमारे रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो 18,000, तो 200 पॉइंट के हमारे पास रेंज है। अब हमें करना क्या है, कल मार्केट अगर गैप डाउन खुला और 18,000 का वाई गिर गया पुट का, तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन खुला या फिर गिर करके नीचे जाने लगा और उस समय पे पुट का वाई बढ़ने लगे, तो ये समझ लो कि मार्केट वहां से बाउंस बैक कर सकता है या फिर साइडवेज हो जाएगा। ओके अब आगे, कल अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपको 18,100 का कॉल कवाई देखना है। अगर कॉल कवाई गिरने लगे तो आप समझ लो कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर नहीं जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट आपका फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा और नीचे ही रहेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो आप इसको प्लान करिए। कल चूंकि एक्सपायरी है तो आपको ये भी ध्यान देना है, इवेंट भी है आपको ये भी ध्यान देना है। अब हम चलते हैं ट्रेड कैसे करते हैं। ओके तो डेटा हमें पता चलता है, डेटा क्या बता रहा है, डेटा हमें 200 पॉइंट की रेंज बता रहा है और थोड़ा सा साइडवेज बता रहा है। हम एक बार FIS का अपना वाला डेटा देख लेते हैं जो मेरी फाइल में बनाता हूं। जो व्यू है थोड़ा सा अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं आपके सामने। ओके तो जो व्यू है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे देखिए आप नेगेटिव जो व्यू है वो नेगेटिव है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो FIS की लॉन्ग पोजीशन थी वो घट करके 38,000 हो गई और यहाँ पे जो हमारे प्रोज हैं इन्होंने थोड़े से इनका एग्जिट किया होगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। ओके डेफिनेटली इन्होंने शॉर्ट सेल था इनका, तो अभी मार्केट नीचे गया तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब हम इनका इंडेक्स में अगर देखें टोटल फ्यूचर में, तो इनका FIS का जो है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन घटी हुई है। तो लॉन्ग पोजीशन घटी हुई है, इसका भी एक सेंटिमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ। अब डेटा तो हमारा हो गया नेगेटिव। ऑप्शन चैन में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा 18,100 पे ही सपोर्ट मिला है। अगर ओआई गिरने लगेगा तो समझिए मार्केट नीचे जाएगा। ये तो हो गया डेटा वाइज। अब हम चलते हैं चार्ट पे, हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है। ओके तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ से चालू होगी, शॉर्ट कवरिंग कहाँ से चालू होगी। अगर आपका मार्केट कल इस जो ये जो रेंज है, ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये मैं इसको यहाँ पे नाम कर देता हूँ ये वाला पॉइंट वाला। अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलेगा जो कि है 18,130, अगर 18,130 के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा तो सीधे सीधे शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। जो यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है लोगों ने दबा करके, इनका SL ट्रिगर होगा और ये शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और ये मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। बट कल अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा या फिर कल थोड़ा सा भी गैप अप खुल गया तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये आप रेंज ध्यान दीजिए, मतलब शॉर्ट कवरिंग कहाँ से होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी इसके ऊपर से। अब नेगेटिव कहाँ है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही था नेगेटिव का, तो यही आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा, यही एरिया आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन का साइन देता है, देन आप सेल कर सकते हो, तो आपका पहला टारगेट बनेगा ये वाला। समझ गए आप, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। अगर आपको एंट्री मिलती है सुबह, मतलब स्टार्टिंग में एंट्री मिल जाती है, रिजेक्शन मिल जाता है, तो फिर आपका ये एंट्री बन जाएगी। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, चलो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, फिर यही एरिया आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट का काम ले लेगा, ये वाला, ये जो पूरा एरिया ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो अब लेट से कि कल मार्केट गैप डाउन खुला, तो आपको सेल करने पे कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको उतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी और तुरंत बायर्स आ जाएंगे जो मतलब पैनिक में होंगे, वो तुरंत मार्केट को साइडवेज कर देंगे या तो फिर उठा लेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या होगी आपको कि आप अगर गैप डाउन खुला और आप बेच दोगे तो आप फंस जाओगे। तो बेटर यह है कि आपका अगर गैप डाउन खुलता है तो आप इस जगह पे
ये जो मैं एरिया बताता हूँ, ये एरिया है आपका 17950, इसके आसपास आने पे रिवर्सल का कोई साइन देके आप बाई करने का सोचो, तो ये आपका यहाँ से बाइंग का और यहाँ से सेलिंग का ये एक ट्रेड बनता है। इसके अलावा कोई ट्रेड मुझे दिखाई नहीं देता है निफ्टी में। ओके, अब चलिए बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा 15 मिनट का चार्ट में दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। आप सबको एकदम क्लियर कट पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब के सब क्या है, रिजेक्शन है। और ये भी मैंने बोला था कि अभी आपका ऊपर जा रहा है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू होनी थी बट हुआ नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से सेलिंग होगी। तो ये आपका पूरा कंटिन्यू अभी जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट आपका अभी बैंक निफ्टी में क्या हो गया, सेल ऑन राइज हो गया है। क्या हो गया, सेल ऑन राइज हो गया। तो आपको अभी सेल ऑन राइज दिखना है और आपको नीचे मार्केट कहाँ तक दिख सकता है। अगर ये सब चीजें नेगेटिव हो गई, मार्केट में सपोर्ट नहीं मिला अच्छे से, तो आपको निफ्टी 39,860 आराम से देखने को मिल जाएगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। बट पॉइंट क्या है कि अगर ग्लोबल क्यूज और जो हमारी आरबीआई की मीटिंग है प्लस जो फेड की मीटिंग है वो इसके मार्केट के खिलाफ चली गई, तो मतलब नेगेटिव हो गया, तो अब आपको कैसे ट्रेड करना है ये बात ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, फिर से यहीं पे शॉर्ट कवरिंग का लेवल ढूंढो। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ से हो सकती है, ये बात ध्यान दो। जहां से शॉर्ट कवरिंग होती है ना, इसका मतलब होता है कि वहां से स्टार्ट में शार्प मूव मिलेगा। देखिए ये आपका रेंज था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कोशिश किया बट नहीं सस्टेन कर पाए, नीचे आए, ये आपका होल्ड किया बट सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे फिर से आगे। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, चालू तुरंत सेलिंग चालू हो जाएगी, सॉरी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। इसके ऊपर अगर निकला तो तुरंत आपके शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग का रैली देख सकते हो, ऊपर जाने पे आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है। बट अगर इसके ऊपर निकला तो साइडवेज होकर के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर आप रैली कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। अब हम अपना परफेक्ट लेवल ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से सेल करना है। तो आप यही बात ध्यान दो, सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो अगर इस लेवल पे आ जाए, जैसे ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे आपका ये 41,280 और 41,350, इसके बीच में आप सेल करोगे। अगर आपको सेलिंग का कोई सेटअप बनेगा तो आप सेल करोगे, आपका टारगेट होगा सीधे सीधे ये वाला 4850, ये आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट याद रखो, अगर ऊपर गया सेलिंग के पॉजिटिव मिली तो आप सेल करोगे, बिकॉज सेल ऑन राइज का मार्केट अभी हो चुका है। अब अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुला तो आपको सेल भी तभी करना है इसके नीचे जब जाएगा तब। ओके, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, ओके, तो जब तक इसके नीचे क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक आपको फ्रेश सेलिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ट्रेड नहीं करना है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा। 4850 के नीचे जाएगा, देखो यहाँ पे शुरू शुरू में ऊपर गया तो आपको ये टारगेट मिलेगा, सेल कर दोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुला तो जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक आप सेल नहीं करोगे, ये बात ध्यान दो। रीजन, यहाँ पे बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप फंस जाओगे, ये बात याद रखो, क्योंकि कल मार्केट इवेंट है। प्लस दूसरी चीज, यहाँ पे जो डेटा बना है ना वो ऐसा डेटा है कि जो एफ आई आईज है ना अपने आप को हेज कर रखा है। ये लोग अगर स्ट्रांगली नेकेड शॉर्ट होते तो मैं आपको बोलता बिंदास बेचो, लेकिन अगर ये लोग हेज ना होते, इन्होंने क्या कर रखा है, हेज कर रखा है। ओके, तो अगर हेज कर रखा है तो इससे मैं समझता हूँ कि मार्केट आपका वोलेटाइल रह सकता है, तो आप इसमें ध्यान दो। तो इसके नीचे फ्रेश सेलिंग करोगे, यहाँ पे फिर सेलिंग, फ्रेश सेलिंग करोगे, बाइंग आप कहाँ पे करोगे, तो बाइंग जो आप करोगे ना, बाइंग का भी मुझे कहीं लेवल दिखाई नहीं देता। तो ये एक छोटा सा मुझे एरिया दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे मिल जाए कल, वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है आने वाले कुछ दिनों में, अगर यहाँ पे मिल जाए मार्केट, हालांकि वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज्यादा नीचे गिर गया मार्केट, आप समझ लो जैसे कि एक्सट्रीम मोमेंट आ गई, कोई बहुत फॉल आ गया, कोई नेगेटिव मतलब आरबीआई में कुछ आ गया, बहुत ज्यादा गिर गया, तो यहाँ से एक बार आप बाइंग का ट्राई कर सकोगे। बट मुझे लगता नहीं कि उतना बड़ा मोमेंट आएगा, अगर उतना मोमेंट आ गया तो आप बाइंग करोगे, अदरवाइज नहीं। तो आपका कल बैंक निफ्टी में यही ट्रेड है, बाकी मोर ऑन लेस क्या होगा कि प्राइस एक्शन बेसिस पे कल मैं देखूंगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या डेटा है, तो उसका उसके हिसाब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्विटर आई पे अपडेट करूंगा। तो आप उसको जरा ज्वाइन करके फॉलो रखिए और अपडेटेड रहिए, ताकि आपको सही तरीके से ट्रेड मिल सके। स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि कोई अच्छा स्टॉक मुझे मिल नहीं रहा है, तो कल अगर ऐसा कोई स्टॉक बनेगा तो मैं आपको दे दूंगा। और एक्सपायरी है तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा क्वांटिटी को लेस करके रखिएगा, मतलब क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखिएगा और ट्रेड करिएगा सही तरीके से, टाइम पर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।